अज प्यारे हो समझण दी लोड़ है। गुरु रविदास जी किते गए थोड़ा बाणी दे रूप विच साडे कोल आयो ते प्यारे हो सानू माण होना चाहिए। मैं जो आए असी मैं सोचा यार बोलांगे की इत्थे ते एडे एडे विद्वान कथा करके चल गए महाराज जी बैठे आ। मैं क्योंकि उम्र मेरी सारा 32-33 साल मेरी उम्र है और प्यारे 2009 दे विच मैं इस लाइन में आया सी जो संत रामानंद महाराज जी की शहीदी हुई उदों मैनू पता लगे अपने इस रहबर दा सतगुरु रविदास जी महाराज जी का संत रामानंद महाराज जी का। मैं उदों फस्ट ईयर दे विच पढ़दा सी मैं ट्रेन च जा रहा सीगा छुट्टी अपनी जी लेके चले उसे गड्डे नू लेके चले प्यारियो कोई वखरी चीज नहीं सी। महाराज जी कहिंदे जिन्हां ना विसरे नाम से कनेहा कहिंदे भेत ना जाणो मूल साई जिया कहिंदे जिन्हां नू नाम नहीं विसरदा ना वह कहो जे ने कहिंदे वह आप ही रब वर्गे है। गज के बोलो जय गुरु देव धन गुरु देव। ते सात संगत जी जदों मैनू पता लग्या जो उन्होंने उन्होंने हमला होया ना जदों मैनू उदों पता लग्या मैं जा रहा ट्रेन दे विच ते ट्रेन रुक गई घंटा खड़ी रही पता लग्या भी ट्रेन रुकी क्योंकि पता तो करिए जाके उदों पता लग्या कहिंदे कोई रविदासियां दा बाबा सी कहिंदे वह कहिंदे मार दिता बाहरली कंट्री दे अंदर। ते प्यारे उदों मैं इस मिशन च आया मैनू सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बाणी का पता लग्या ते प्यारे अज 10 साल हो गए ते सार संगत जी उन्होंने शहीद किया ना जदों उदों पता लग्या ते भागा वाली पवित्र धरती है जिथे प्यारियो संत रामानंद महाराज जी वर्गे एडे एडे महापुरश विद्वान कीर्तन करके गए ते सानू बाणी नाल जुड़ के गए हो। ते प्यारियो संत रामानंद महाराज जी उन्हां दी विरती तो पता लगता है। मैं उन्हां दे दर्शन नहीं किते पर मैं एक बुक पढ़ी सी बयाना कांड उत्थों पता लगता है वह बुक बैन हो गई वह मेरे को है सी वह गुम हो गई कोई लै गया मंग के पढ़न वास्ते मुड़ के मैनू मिली नहीं वह सारी कहानी उन्दे विच लिखी हुई सी ते उन्दे विच मैं पढ़िया संत रामानंद महाराज जी बारे उन्हां दी विरती का पता लगता है। मैं भैणां नू खास करके कहना चाहुंदा सुणियो जरा कहिंदे किसे ने मैनू दस्या मैं जदों क्योंकि पंजाब की धरती ते डेरा सचखंड बल्ला साडा एक महीने दे विच इन्हीं पंज वारी चले जाइए क्योंकि उधर भी प्रोग्राम चलते रहिंदे ध्यान नाल सुणियो जरा ते कहिंदे मैं उन्हां तों जाके पुछिया मैं क्या संत रामानंद महाराज जी बारे यार दसो उत्थे गल्लां चलियां ते प्यारियो उत्थे एक सेवादार मिलिया वह झाड़ू मारदा है ते मैं उन्दे कोल बैठा मैं क्या मैनू दस संत रामानंद महाराज जी बारे उन्हें दसण तो पहले ही प्यारियो उन्हां दी अखां च पानी आ गया दसण तो पहले ही उन्दी अख चो पानी आ गया। मैं सोचिया मैं क्या दस आपां नूं किदां दसेगा फिर भी उन्हें दसिया कहिंदे बस मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दे दिना कहिंदा मैं अपनी अखां नाल वेखिया कहिंदे इत्थे एक वारी ना असीं इत्थे बैठे सी जिधर बाहरले पासे अंब दे इधरले पासे जगह बनी है बाहरले इधर पंडाल बनिया एक पासे मंदिर बनिया दूजे पासे पंडाल आ कहिंदे उत्थे बैठे सी कहिंदे उत्थे ना एक बच्ची रोंदी रोंदी आई एक बच्ची रोंदी रोंदी आई कहिंदे रखड़ी दा दिन सी रखड़ी दा दिन सी कहिंदे एक बच्ची आई रोंदी रोंदी कहिंदे रो रही सी महाराज जी दे चरणां च मत्था टेकिया ते रोण लग गई ते एक पासे जाके बह गई ते संत रामानंद महाराज जी कहन लगे जाके कहिंदे उस बच्ची नूं पुछो इह रोंदी क्यों है कहिंदे रो क्यों रही है हुण मत्था टेक के गया भी इहनूं किहे चीज़ की कमी है छोटी जी बच्ची है नाजुक जी ये रो क्यों रही है पर जरा पुछो इहनूं जे किसे चीज़ की लोड़ है इहनूं कोई चीज़ खिडौने की लोड़ है इहनूं दवा दिओ ते जदों जाके उस बच्ची नूं पुछिया कहिंदे इदां दस बेटा भी तू महाराज जी पुछ रहा तू रो क्यों रही है तू रो क्यों रही है ता वो होर रोण लग गई वो होर रोण लग गई जदों होर जदों रोण लग गई ना ते प्यारियो फिर जाके उन्होंने पुछिया चलो तेनूं महाराज कोल लैके चलीए ते वो महाराज जी कोल गई ते महाराज जी ने पुछिया कहिंदे बेटा रो क्यों रही है ते सानू रोण दा कारण दस भी जे तेनूं चीज़ की लोड़ है साडे कोल किस गल की कमी है ध्यान नाल सुन लिओ प्यारियो जदों कोई शब्द पढ़ता कोई भी प्रचारक उन्होंने मिल जाता सी ना उदों ही पकड़ लेंदे सी उन्हूं कह देंदे सी तू कोई काम नहीं करना तू ये बाणी नूं गा गा के जन जन तक पहुँचाउणा है
उदों ही जप्पी पा के मिलना। अज ते रीतां बदल गई प्यारियो, माफ करना गल्लां कहणियां पै रहियां, उदों जप्पी पा के मिलना उन्हां नूं वी कोई मैनू महाराज की बाणी गाउण वाला लभ गया। यह प्यार सी उन्हां दा, यह नहीं वेखणे दे वस्त्र कहो जे है, यह कहो जे है किस घर दा है, अमीर है गरीब है, उन्होंने इदां जप्पी पा के मिलना। यह कौन दसदे है जिहड़े जिहड़े प्यारे उत्थों दे अज सेवादार आ, तो उन्होंने पूछया बेटा रो क्यों रही है, तो रोंदी रोंदी ने कहा कहिंदे महाराज जी अज रखड़ी का दिन आ, अज रखड़ी का दिन आ, तो कहिंदे मेरे कोई भरा नहीं हैगा, तो मैनू महसूस हुंदा मैं रखड़ी कहिंदे बन्ना, मैं कहिंदे बन्ना। संत रामानंद महाराज जी कहन लगे बेटा कहिंदे ऐतकी तू मेरे बन दे, अगली बार बनाउण वाला भी आ जाएगा। गज के आखो जय गुरु देव धन गुरु देव। प्यारियो संतां महापुरशां दे बचन इदां नहीं हुंदे, जे को बचन कमावै सतन का सो गुर प्रसादी तरिया, इदां नहीं हुंदे बचन। साधु बोले सह सुहाए, साधु का बोलिया विरथा ना जाए, ते इसे करके उन्होंने बोलिया कहिंदे बेटा इतकी तू मेरे बन, चेता रखी अगली बार बढ़ाउण वाला भी आ जाएगा। किन्ने लोकां दे प्यारियो हंजू पूंजे उन्होंने, किन्ने लोगों के हंजू पूंजे, उस गड्ढे नूं लैके संत रामानंद महाराज जी प्रचार करते रहे, क्योंकि जो संत बोल देंदे आ प्यारियो वह विरथा नहीं कदे जांदा। महाराज जी ने इसे करके तो कहा कहिंदे संत आप खुद रब का रूप हुंदे है। महाराज जी भी कहिंदे आ ना कि संत अनंत है अंतर नाहीं, कोई फर्क नहीं है उन्होंने विच। जे प्यारियो वह सानू उपदेश कर रहे हैं, ते प्यारे समझो जे बोल रहे हैं, जे वो सानू समझा रहे हैं, ते समझो सतगुरु रविदास जी खुद आप समझा रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा ऐतकी मेरे बन, अगली बार दिन बनाने वाला भी आ जाएगा। ते किन्ने लोगों के हंजू पूंजे, एहो जिहा बचन किया प्यारियो, सब दियां मुरादां पूरियां करके रख दित्तियां। ते प्यारियो उन्होंने महापुरशां ने, उन्होंने महापुरशां ने स्टेज पर कीर्तन किया, और बूटा भी उन्होंने लाया होया, बड़ा आनंद आउंदा प्यारियो सुन के। ते मैं बड़ा असी बड़े खुश होंने जाके उत्थे जिथे इहो जे, क्योंकि एक किणका साडी झोली विच पै जाए साडा जीवन बदल जाए, एक किणका ही चाहीदा सानू मिल जाए उन्हां दी रहमत दा, साडा भी जीवन सवर जाए, क्योंकि वह खुद आप मालक आप अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा का परमेश्वर का रूप हुंदे आ। महाराज जी कहिंदे रविदास भणै जाणै सो जाण संत अनंत है अंतर नाहीं। महाराज जी बाणी भी कहिंदी है कहिंदे जिन्हां ने विसरै नाम से कनेहा, कहिंदे भेद ना जाणो मूल साई देआ।